नमस्कार, मैं अनुज कुमार यादव। वैसे तो किसी भी कैदी को जेल में सजा काटने के लिए भेजा जाता है ताकि वो फिर से अपराध की दुनिया में कदम ना रखे, लेकिन पंजाब की जेल में तो अपराधियों को अपराध के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है। दरअसल ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिस ड्रग्स का व्यापार करना अपराध माना जाता हो, वही अपराध जेल के अंदर पुलिस की मिली भगत से धड़ल्ले से चल रहा है, जिसका पर्दाफाश हो चुका है। पंजाब के मनसा का ये पूरा मामला है जहां कैदियों से पैसे लेकर ड्रग्स सप्लाई किया जा रहा है। जब इस मामले का खुलासा हुआ तो 2 सहायक अधीक्षकों और 4 वार्डरों सहित 6 जेल कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। इन जेल कर्मियों को कथित तौर पर कैदियों से पैसे लेकर उन्हें जेल में ड्रग्स मुहैया करवाने के आरोप में सस्पेंड किया गया है। गुरुवार को ADGP अरुण पाल सिंह द्वारा जारी एक पत्र में भी बताया गया कि उन्होंने इस मामले में मनसा जेल के 2 सहायक अधीक्षक और 4 वार्डरों को निलंबित कर दिया है। सुभाष कुमार अरोड़ा ने मनसा जेल की पोल खोलते हुए आगे बताया कि मनसा जेल में पैसे वाले कैदियों को जेल अधिकारी ड्रग्स के अलावा कई और तरह की सुख सुविधाएं प्राप्त करते हैं। गुरुवार को ADGP अरुण पाल सिंह द्वारा जारी एक पत्र में बताया कि उन्होंने इस मामले में मनसा जेल के 2 सहायक अधीक्षक और 4 वार्डरों को निलंबित कर दिया है। वहीं सुभाष कुमार अरोड़ा ने मनसा जेल की पोल खोलते हुए आगे बताया है कि मनसा जेल में पैसे वाले कैदियों को जेल अधिकारी ड्रग्स के अलावा कई और तरह की सुविधाएं प्राप्त करवाते हैं। अरोड़ा ने आगे बताया कि जेल के अंदर ज्यादातर कैदी बड़े पैमाने पर मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं। अरोड़ा के इस बयान के बाद ADGP अरुण पाल सिंह ने इस मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए मनसा जेल के सहायक अधीक्षक कुलजीत सिंह, विवन तेज सिंगला और बॉर्डर हरजीत सिंह, निर्मल सिंह, सुखवत सिंह और हरजीत सिंह को सस्पेंड कर दिया। ड्रग्स के इस खुलासे के बारे में बात करें तो कुछ हफ्ते पहले मनसा जेल से रिहा हुए सुभाष कुमार अरोड़ा के बयान के बाद इसका खुलासा हुआ। बता दें कि सुभाष कुमार अरोड़ा कुछ हफ्ते पहले ही मनसा जेल से रिहा हुए थे। जेल से बाहर आने के बाद सुभाष कुमार अरोड़ा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जेल में कैदी अधिकारियों को पैसे देकर अपने लिए ड्रग्स और बाकी के नशीले पदार्थ मंगवाते हैं। अब इस मामले का खुलासा हो चुका है, जिसके बाद से ही पूरे महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। ड्रग्स सप्लाई के इस मामले में कई अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है।